जय हिंद एवरीवन। एक समय हुआ करता था जब इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती थी तो उसमें लाखों लोग ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा पाते थे, और एक समय ऐसा आया है, लाख लोगों का तो बात छोड़ो, हजार लोगों का भी ऑनलाइन नहीं हो पाया है। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ, एक ऐसा जिला है जहाँ पर सिर्फ 352 लड़के इंडियन आर्मी में ऑनलाइन करा पाए हैं। अब उस 352 लड़कों में कुछ लड़के GD का होंगे, कुछ लड़के टेक्निकल का होंगे और कुछ लड़के कलर का होंगे। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज बता रहा हूँ, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई बताओ कितने लोगों का ऑनलाइन हुआ है, कितने लोग GD में कराए, कितने लोग टेक्निकल में कराए हैं, तो सारा का सारा न्यूज निकल कर आ गया है। आप लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता होगा, 15 तारीख तक इंडियन आर्मी का ऑनलाइन का लास्ट डेट था, लेकिन पता है उस डेट को क्यों बढ़ा दिया गया था, 15 तारीख से 20 तारीख तक कर दिया गया। बहुत सारे लोग का ऑनलाइन ही नहीं हो पाया था, उस बात को कुछ लोग समझ पा रहे थे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, मैं खुद कंफ्यूजन में पड़ गया था। तो ऐसा कभी नहीं होता था, इंडियन आर्मी की तरफ से एक बार जो बोल दिया जाता था वही रहता था। इस बार तो ऑनलाइन का डेट बोला गया 15 तारीख तक, और 15 तारीख तक ज्यादा लोग ऑनलाइन नहीं करा पाए तो उस डेट को बढ़ा दिया गया, 20 तारीख तक कर दिया गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है। देखो जब ऑनलाइन का डेट खत्म हो जाता है ना तो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बता दिया जाता है कि इस यारों में इतने लड़के GD में ऑनलाइन कराए हैं, लड़के टेक्निकल में ऑनलाइन कराए हैं और इतने लड़के कलर में ऑनलाइन कराए हैं। क्योंकि जैसे हम लोग को सारी चीजें पता चल जाता है ना तो हम लोग तैयारी करते हैं, तो हम लोग के अंदर जैसे ये रहता है ना, चलो इतने लड़के हैं, हम लोग का तैयारी में मन लगता है, और इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी न्यूज निकलता है तो हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। साफ साफ लिखा गया है सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जिलेवार जारी की गई सूची, और यहाँ पर लिखा गया है अग्निवीर भर्ती गाजीपुर से सबसे ज्यादा आवेदन। नीचे लिखा गया है अग्निवीर भर्ती के लिए वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय पर 43,908 आवेदन आया है, मतलब 43,908 लड़के अग्निवीर में ऑनलाइन कराए हैं। अभी इस 43,908 लड़के में कुछ लड़के GD का होंगे, कुछ लड़के टेक्निकल का होंगे और कुछ लड़के कलर का होंगे। नीचे लिखा गया है इनमें सबसे ज्यादा आवेदन गाजीपुर के युवाओं ने किए हैं, गाजीपुर से 7,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बलिया और गोरखपुर के युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए आवेदन किया है। तो ध्यान से देखना, यहाँ लिखा गया है अग्निवीर भर्ती में 3,258 आवेदन के साथ वाराणसी 7वें नंबर पर है, वहीं सोनभद्र से सबसे कम 392 आवेदन आए हैं। सोनभद्र से सिर्फ 392 लड़के ऑनलाइन करा पाए हैं, इतना कम लड़के ऑनलाइन कराए हैं। ये लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो जिंदगी में कभी आर्मी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आगे लिखा गया है सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल ऋषि दुबे ने बताया कि सबसे ज्यादा 35,314 आवेदन जनरल ड्यूटी मतलब GD पद के लिए है। इसके बाद टेक्निकल स्टाफ के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए 1,418 लोग ऑनलाइन कराए हैं। कितने लोग ऑनलाइन कराए हैं यहाँ पर पूरा का पूरा सूची दिया है। देखो जिला गाजीपुर के 7,517 युवा ऑनलाइन कराए हैं, बलिया से 668 युवा ऑनलाइन कराए हैं, गोरखपुर से 5,439 युवा ऑनलाइन कराए हैं, आजमगढ़ से 4,509 लोग ऑनलाइन कराए हैं, देवरिया से 4,262 लोग ऑनलाइन कराए हैं। तो देवरिया में भी ज्यादा लोग नहीं ऑनलाइन कराए हैं, जौनपुर से 3,828 लोग ऑनलाइन कराए हैं, और वाराणसी से 3,258 लोग ऑनलाइन कराए हैं, मऊ से 2,680 लोग ऑनलाइन कराए हैं, चंदौली से 2,563 लोग ऑनलाइन कराए हैं, मिर्जापुर से 2,088 लोग ऑनलाइन कराए हैं, संत रविदास नगर से 1,302 लोग ऑनलाइन कराए हैं, और सोनभद्र जिले से देखो 392 लोग ऑनलाइन कराए हैं। पूरा न्यूज पेपर देखे हो ना, इस बार बनारस यारों में टोटल 43,908 लोग सिर्फ ऑनलाइन करा पाए हैं, और इसी 43,000 में कुछ लोग टेक्निकल के भी हैं। तो भाई जितने लोगों का ऑनलाइन हो गया है ना भाई, जी जान से लगे रहना यार, मेरिट ज्यादा हाई नहीं बनेगा, क्योंकि अभी दौड़ भी कराना है, दौड़ में भी बहुत सारे लोगों को छाटा जाएगा, और पहले ही बोल दिया गया है एक सीट की जगह 10 से 15 लड़कों को पास किया जाएगा। तो इस तरह से गोल्डन चांस मिलने वाला नहीं है मेरे भाई, अपने तरफ से 100% लगा देना, अब नतीजा जो निकलेगा वो देखा जाएगा। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, हम लोग तो ग्राउंड भूलिए गए हैं कि ग्राउंड क्या होता है। अभी TA आर्मी का एक उम्मीद है, लेकिन TA आर्मी का भी कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है बहुत जल्द TA आर्मी को नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि TA आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बीच में हलचल किया गया था। जैसे ही TA आर्मी का कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इतने लोग का इंडियन आर्मी में ऑनलाइन हो गया है, उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 20 से 25 दिन का टाइम है। भाई आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों का ऑनलाइन हो गया है। आप लोग देख रहे हो ना, अभी मतलब आने वाले समय में कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा। अभी इस बार तो बहुत सारे लोगों का एज रहते हुए भी ऑनलाइन नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। जो लोग 10 पास करेंगे, 10 पास करने के बाद तुरंत मतलब ऑनलाइन के पीछे लग जाएंगे। तो इसलिए भाई इस बार बहुत ज्यादा चांस है, आप लोग का रिटर्न पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं भी नीलेश भाई वाले चैनल पर जो इंपॉर्टेंट GKGS रहता है, जो इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल पूछे गए रहते हैं, जैसे उसको खोज कर रोज 7:30 बजे मतलब 30 GKGS लाता हूँ, और 1,000 मतलब GKGS मेरे पास है, तो उसको 10 दिन में पूरा करा दूंगा। वीडियो में 100 क्वेश्चन, एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, ऐसे कर करके 10 वीडियो में
आप लोग को 1000 क्वेश्चन मैं दे दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे पैसों की वजह से एकेडमी में तैयारी करने नहीं जा पाए हैं, बहुत सारे लोग पैसों की वजह से कोर्स नहीं ले पाए हैं, वो लोग सोच रहे हैं मैं क्या पढ़ूँ, तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे पता रहेगा उतना मैं आप लोग को बताऊँगा, अगर नहीं पता रहेगा तो उसके बारे में पता करूँगा, उसके बाद से मैं आप लोग को बताऊँगा। जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हो ना, जितना मुझसे होने लायक रहेगा उतना मैं करूँगा। अब बोलने वाले चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग भी एक बार देख लेना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और अबाउट में जाओगे तो टेलीग्राम भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा और फेसबुक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।